वफादारी शब्द को यदि किसी जानवर से जोड़ा जाता है तो वह है कुत्ता। कुत्ता मानव का वफादार दोस्त है। भेड़िया का वंशज है यह जानवर, जिसे इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा पालतू बनाया जाता है। मगर कुत्तों में भी कुछ ब्रीड ऐसी होती है जो नेचुरली अग्रेसिव होती है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे खूंखार कुत्तों के बारे में जिन्हें दुनिया के कई देशों में बैन किया जा चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर। डोगो अर्जेंटिनो, यह अर्जेंटीना की सबसे फेमस डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट लगभग 27 इंच होती है और वेट 40 से 45 किलोग्राम के बीच होता है। इनकी औसतन उम्र 9 से 15 साल हो सकती है। यह बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं, जो कि मीडियम टू लार्ज रेंज के होते हैं। इन कुत्तों को पुराने जमाने में शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे पहली बार 1928 में अर्जेंटीना के एंटोनियो नोर्स मार्टिनेज ने ब्रीड करवाया था। इनको दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। डोगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स तकरीबन 500 PSI है, यानी कि 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि चीते के 475 PSI से भी ज़्यादा है। इनका इस्तेमाल जंगली सुअर के शिकार के लिए किया जाता है। इनको इनके बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है। इनका शरीर बहुत ही सख्त होता है। इन सबके बावजूद ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। मोरोचो नाम के एक डोगो अर्जेंटिनो ने अपने मालिक की 2 बच्चियों को बचाने हेतु पुमा से भिड़ गया था, जिसे एनिमल प्लेनेट पर प्रसारित भी किया गया था। यह काफ़ी विनम्र और खुशमिजाज होते हैं, परंतु एक टीवी शो पे एक डोगो अर्जेंटिनो ने महिला एंकर को काट लिया था क्योंकि वह उसके पास आती उसे पसंद नहीं आई। इसी कारण से उस महिला एंकर को लगभग 70 टाके लगवाने पड़े थे। लगभग 10 देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। टिबेटन मैस्टिफ, इस डॉग को दुनिया के सबसे मजबूत, ताकतवर और क्रूर डॉग में से एक माना जाता है। इनका शरीर काफी बड़ा, तगड़ा और मजबूत होता है और साथ ही में इनका शरीर मखमली बालों से घिरा हुआ है। इनके औसतन उम्र 12 से 15 साल होती है और वजन 45 से 72 kg के बीच होता है। इनके काटने की क्षमता 556 PSI होती है। इनको देखकर ही हमें इनके खतरनाक होने का पता लगता है, क्योंकि यह बिल्कुल शेर की तरह दिखते हैं। चीन के एक शख्स ने टिबेटन मैस्टिफ को लगभग 13.60 करोड़ में खरीदा था। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों में ही होती है, लेकिन इनको मिली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत बढ़ जाती है। इस मस्टिफ को चीन में स्टेटस सिंबल माना जाता है, इसलिए तो चीन में इस कुत्ते की बहुत मांग है। लेकिन इन कुत्तों के कारण बहुत से लोगों ने जान भी गंवाई है, इसलिए इन्हें चीन के कई इलाकों में बैन कर दिया है और अमेरिका के भी कई शहरों में इसे पालने पर प्रतिबंध है। प्रीसा कैनेरियो, यह मुख्य रूप से स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनका वजन लगभग 60 किलो होता है और औसतन उम्र 9 से 11 साल होती है। इनकी बाइट फोर्स 500 PSI से भी ज़्यादा होती है। इनको पहले डोगो कैनेरियो कहा जाता था। इन प्रजाति के कुत्तों को 18वीं शताब्दी के दौरान हमलों और शिकार के लिए ट्रेन किया जाता था और यह कुत्ते जानलेवा होते हैं। यह कुत्ते बहुत ही खौफनाक और शक्तिशाली होते हैं और इनके चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इन कुत्तों को स्वाभाविक तौर से आक्रामक और खतरनाक माना जाता है। जिन लोगों को पहले कुत्ते पालने का तजुर्बा नहीं है, उन्हें प्रीसा कैनेरियो पालने से रोका जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने इन कुत्तों पर बैन लगा दिया है। 1982 से लेकर 2014 के कुत्तों के हमले और जानलेवा हमलों में यह चौथे पायदान पर है। कांगल, यह डॉग ब्रीड तुर्की के गांव कांगल से ताल्लुकात रखती है। यह कुत्ते यहीं से ओरिजिनेट हुए है। यह नस्ल बहुत ही ताकतवर होती है। इनकी औसतन हाइट 30 से 33 इंच होती है और इनका वजन 50 से 65 किलोग्राम के बीच होता है। इन्हें शुरुआत से ही भेड़ियों, भालू और गिदड़ों से सुरक्षा हेतु पाला जाता रहा है। इन्हें अभी कुछ सालों से अफ्रीका के देश नामीबिया और केन्या जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यह शेर, चीता और ऐसी कुछ जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कांगल नस्ल के कुत्ते बहुत ही लॉयल, बहादुर और स्ट्रांग होते हैं। इस डॉग की सबसे खतरनाक बात इसकी काटने की क्षमता है, जो कि 745 PSI है, जो शेर की 650 PSI से अधिक है। यानी कि अगर यह डॉग कभी गुस्से में आ जाए तो जो भी इसके जबड़े में फंस जाए उसकी मौत पक्की है। कांगल नस्ल बेलारूस और यूक्रेन में बैन है।
अमेरिकन पिटबुल टेरियर। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद ही खूंखार और ताकतवर होते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर की औसतन हाइट 17 से 21 इंच होती है और इनका वजन 16 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। इनकी औसतन उम्र 8 से 15 साल होती है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ये दो देशों से इनकी ओरिजिन हुई है। इन कुत्तों की काटने की क्षमता 235 PSI है। इन कुत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इनका इस्तेमाल वजन खींचने वाले प्रतियोगिताओं में किया जाता है। इनके शक्तिशाली शरीर के वजह से इन्हें डॉग फाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। पिटबुल काफ़ी जल्दी सीखने वाला कुत्ता है। 2005 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 280 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।